हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई फिल्म भूत पुलिस को, जिसकी कहानी की बात करें तो कहानी आपको ट्रेलर में ही दिखा दी गई है कि दो तांत्रिक भाई अपने पिता के भूत भगाने के उसी बिजनेस को फॉलो कर रहे हैं। बिजनेस इसीलिए क्योंकि वो दोनों इससे लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाते हैं। लेकिन फिर भी अर्जुन कपूर के कैरेक्टर चिरंजी को अपने पिता के इस काम पर भरोसा था, बट सैफ अली खान के कैरेक्टर विभूति को बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब उनकी मुलाकात यामी गौतमी के कैरेक्टर माया से होती है, तब इन दोनों की लाइफ में क्या कुछ बदलता है। ऐसे में जैकलिन फर्नांडिस, जावेद जाफरी, राजपाल यादव, अमित मिश्रा और जेमी लीवर का कैरेक्टर इस फिल्म में क्या है क्या नहीं, वही सारी डिटेल जानने के लिए आपको देखनी होगी ये फिल्म भूत पुलिस, जिसकी लेंथ 2 घंटे 10 मिनट के आसपास की है। लेकिन सवाल निकल कर यही आता है कि क्या आपको आपका समय इस कॉमेडी हॉरर जॉनर की फिल्म को देना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए अब उन डिटेल्स की बात करते हैं बिल्कुल स्पॉइलर फ्री। लेकिन उससे पहले बनती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट में मैंने जैसे कहा कि इस फिल्म के ट्रेलर में ही सारी की सारी स्टोरी की डिटेल रिवील कर दी गई थी, जिसे देख करके खास करके हमें फिल्म के डायलॉग्स का अंदाजा हो जाता है कि इस फिल्म में कॉमेडी का लेवल किस हद तक का सही होगा, जिसकी बात मैं इसकी रेटिंग में करूंगा। लेकिन बात करें सिंपली फिल्म की, तो अगर आप पूरी फैमिली के साथ बैठकर इस फिल्म को देखोगे रात के वक्त अंधेरे में, तो ये एक हल्की फुल्की सी टाइम पास सी फिल्म मानी जाएगी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और इसके अलावा भी आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, यानी कि देखने के लिए कोई दूसरी फिल्मों का ऑप्शन नहीं है, तो ही आप इस फिल्म को देखिएगा। पर नहीं, ये फिल्म एक स्किप जैसी फिल्म है, क्योंकि ट्रेलर ही ये बात हमारे सामने पूरी तरीके से क्लियर कर देता है कि हमें फिल्म में देखने क्या मिलेगा। उससे ज्यादा ये फिल्म ट्विस्ट एंड टर्न्स तो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं करती, बस सिंपली स्टोरी दिखाती है और अपने दिए गए टाइम पर खत्म हो जाती है। जो अगर ईमानदारी से कहूं, तो फिल्म में सिर्फ 1 घंटे 20 मिनट के होते तो काफी ज्यादा अच्छे रहते, क्योंकि फिल्म में काफी सारे टाइम को वेस्ट कर बेमतलब की चीजों को बहुत ही ज्यादा जगह दे दी गई है, खास करके राजपाल यादव और जावेद जाफरी के कैरेक्टर की स्टोरीज को, जिनका कोई भी सर पैर नहीं था। इसके अलावा जिस तरीके से सैफ अली खान और अर्जुन कपूर के कैरेक्टर के बीच की स्टोरी को भी बिल्ड किया गया है, उसका भी कोई प्रॉपर एंड हमें देखने नहीं मिलता। बाकी फिल्म में जो लीड कास्टिंग एक्ट्रेस की भी की गई है, उनमें भी कोई खास ज्यादा दम बिल्कुल भी नहीं है, यानी कैरेक्टर्स को लेकर यहाँ पर किसी भी तरीके की डेवलपमेंट नहीं की गई है। और उतनी ही बुरी तरीके से डेवलपमेंट इस फिल्म में स्टोरी के जो ट्विस्ट है, यानी कि पास की स्टोरी को, उसे बिगाड़ने में भी की गई है, जिस पर पूरी तरीके से पानी फेरने का काम इस फिल्म का एंड करता है। और उससे भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट इस फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन हमें फिल्म के सीक्वल का हिंट देकर देता है, जिसकी मुझे लगता है कि कोई भी जरूरत है। और अब उन सभी के रीजंस की बात करें, तो वो यही है कि फिल्म का प्रोडक्ट अच्छा था, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही खराब, यानी कि मेकर्स को ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि इस कहानी की प्रेजेंटेशन लोगों के सामने किस तरीके से करनी है, और वहीं पर ये फिल्म बुरी तरीके से मार खाती है। अब यहां पर मैं बात फिल्म के बजट की तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि फिल्म के प्रोडक्शन के हिसाब से फिल्म का बजट बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगेन उसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं, यानी कि डायरेक्टर यहाँ पर लिखी हुई स्टोरी के हिसाब से ही फिल्म को डायरेक्ट कर हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, जिन्होंने पता नहीं अपने करियर में कितनी फिल्में बनाई है, लेकिन ये फिल्म उनके करियर में कुछ भी बदलाव लाने वाली है नहीं। वैसा ही कुछ मैं फिल्म के स्क्रिप्ट और डायलॉग राइटर के लिए भी कहूंगा कि स्क्रिप्ट में अगर बेमतलब की चीजों को बिल्कुल भी ना लिखते हुए फिल्म को पॉइंट टू पॉइंट रखा जाता, तो ये फिल्म एक अच्छी हॉरर कॉमेडी फिल्मों की जॉनर में शामिल होती, बट अनफॉर्चुनेट इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बाकी वो कहते हैं ना कि आखिरी कील ठोकने का काम फिल्म के डायलॉग राइटर ने किया है, अपने काफी घटिया और बेकार डायलॉग्स को लिखकर, जिनसे हमें बिल्कुल भी हंसी ही नहीं आती। वैसा ही कुछ हॉरर डिपार्टमेंट की तरफ से भी काम किया गया है, जिसमें कुछ सेट डिजाइनिंग अच्छी है बट कुछ बिल्कुल भी नहीं। बाकी कुछ हॉरर के जंप स्केयर स्क्रीन पर देखने पर अच्छे लगते हैं, लेकिन फिल्म का एंड उन सभी मेहनतों पर पूरी तरीके से पानी फिरता है, क्योंकि एंडिंग जिस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट की जाती है, उसे मैं बिल्कुल श्योर हूं कि देखकर लोग डरेंगे नहीं, बल्कि हिसाब से काफी ज्यादा हंसते ही रहेंगे। हालांकि ये फिल्म हॉरर कॉमेडी के जॉनर में आएगी, लेकिन इतनी बुरी तरीके से, जहां पर हॉरर के एलिमेंट में लोगों को डरना चाहिए वहां लोग हंसते हैं और कॉमेडी के जॉनर में मुंह बंद कर बस इस फिल्म को देखते ही रहते हैं। इसके अलावा फिल्म के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें, तो फिल्म का बीजीएम ठीक ठाक है, फिल्म की एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं, बाकी कलर करेक्शन, फिल्म की फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी को तो साइड में डालो, ये सभी बिल्कुल एवरेज सी है। कुछ कुछ पोर्शंस में फिल्म के शूट किए गए डिले सीन भी हमें दिखते हैं, यानी किसी स्क्रीन में सैफ अली खान के कैरेक्टर की दाढ़ी बढ़ती है तो किसी सीन में बिल्कुल कम हो जाती है। ये चीज डायरेक्टर की ही खामियों को हमारे सामने प्रेजेंट करती है कि टाइम पर कंप्लीट करने के चक्कर में इस फिल्म को फिर से कहूंगा पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। इसलिए अब उस बर्बादी पर और ज्यादा बात ना करते हुए सीधे आ जाते हैं इस फिल्म की रेटिंग पर, जिनमें मैं बात करूं फिल्म के एक्शन और सस्पेंस की, तो इन दोनों ही कैटेगरी के लिए बनते हैं 5 में से आधे स्टार। हाँ, मुझे पता है कि फिल्म काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, लेकिन कुछ ऐसे छोटे मोटे टर्न्स हैं जिनके चलते सस्पेंस के लिए तो 5 में से आधे स्टार की रेटिंग बनती ही है। एक्शन के लिए भी मेरे शब्द बिल्कुल वही रहेंगे जो भी कुछ देर पहले मैंने आपको सस्पेंस के लिए बताए। बाकी कॉमेडी के लिए भी रेटिंग 5 में से 1 स्टार की तो बनती है, खास करके एंड के हिसाब से। इसके अलावा बात करें ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए
लिए रेटिंग 5 में से 2.5 स्टार की बिल्कुल ठीक रहेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कहानी की लिखावट अच्छी थी कुछ पोर्शंस में, लेकिन प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा फिल्म के हॉरर थ्रिल की बात करें तो कुछ मोमेंट्स फिल्म के अच्छे हैं थ्रिल के हिसाब से, जिसके चलते ये रेटिंग 5 में से 2 स्टार तो डिजर्व करती ही है। लेकिन इस रेटिंग से आप बिल्कुल ज्यादा मत आकिएगा, ये फिल्म आपको काफी ज्यादा डराएगी। बाकी आ जाए मासस ऑडियंस पर, तो मासस ऑडियंस की नजर में ये टाइम पास सी एवरेज फिल्म है जिसे एक बार के हिसाब से देखा जा सकता है, इसलिए उनकी नजर में इस फिल्म की रेटिंग बनेगी बी की। क्रिटिक्स की नजरों में ये फिल्म बी प्लस की रेटिंग डिजर्व करती है। अब उसका रीजन मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं कि क्रिटिक्स इस फिल्म को इस लेवल पर क्यों रखे हुए है। बाकी बात करें मेरी, तो मैं इस फिल्म को बी माइनस की कैटेगरी में डालूंगा, भले से ही फिल्म की इतनी ज्यादा बुराई क्यों ना की हो मैंने, लेकिन फिर भी एक टाइम के हिसाब से ये फिल्म ठीक ठाक सी है, जिसे आप बिल्कुल ही खाली समय में देखोगे तो बिल्कुल ठीक है, वरना टाइम वेस्ट आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। फिल्म भूत पुलिस को लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि वक्त है अब वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।